This channel is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So welcome back to another video of Feenvest. तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए दो पॉसिबल कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कल निफ्टी के लिए। सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको कहा था कि ये जो हो सकता है निफ्टी गैप ओपन होकर ऊपर बढ़ जाए, ये कंडीशन भी हमारे इसमें अप्लाई हुई। दूसरी चीज़ अगर आप 5 मिनट के चार्ट में देखोगे, टाइम फ्रेम में देखोगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखेगा तो ये जो मैंने आपको कहा था ये ऊपर गैप ओपन होकर रिवर्सल होकर ऊपर बढ़ जाए, ये चीज़ भी हमें दोनों कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल देखने को मिली। तो आप लगा सकते हैं कि निफ्टी जो है हमने कहीं हद तक सही प्रिडिक्ट कर लिया था आज के लिए। तो यही कंडीशन आपको आई बटन पे क्लिक करके पता चल जाएगा। जैसे ही आप हमारी वीडियो देखेंगे, प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये दो कंडीशंस आपको बताई थी, या तो ये ओके चल जाएगा, ये कंडीशन भी इसमें हमारी अप्लाई हुई, और या तो ये क्या है गैप ओपन होके डाउन आएगा और उसके बाद अप के लिए बनाएगा, ये यू पैटर्न बताएगा। अब देखिए अब ये एग्जैक्टली जहाँ पे मैं बना रहा हूँ वहाँ पे तो यू पैटर्न बनाएगा नहीं, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं सिर्फ एक पैटर्न बना रहा हूँ आपको। निफ्टी जहाँ ओपन होगा उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि ये यू पैटर्न कहाँ बन सकता है, ये रिवर्सल कहाँ देखने को मिल सकता है। सो अब हम कल के लिए निफ्टी की बात करें तो देखिए एक आपको यू टाइप का पैटर्न यहाँ से दिख रहा होगा 5 मिनट के चार्ट में, ये यू टाइप का पैटर्न यानी कि यहाँ से जो है ग्रीन कैंडल काफ़ी एक्टिव थी, यहाँ पे भी एक दोबारा ग्रीन कैंडल एक्टिव थी, फिर से ये यूँ बढ़ा है, फिर एक्टिव थी यूँ बढ़ा है। हो सकता है कल ये दोबारा से यही पैटर्न हमें देखने को मिले। मैं आपको एक जूम आउट करके बता देता हूँ, यहाँ से जो है ये कैंडल जो है हल्का सा ये अप लेके फिर से एक डाउनफॉल मतलब ये मिले, फिर से ये मिले, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हाँ ये जो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो हमारा निफ्टी कुछ ऐसा शो हो रहा है, तो 15 मिनट के टाइम में ऐसा मतलब ये जो पैटर्न है वो सीधा ऐसे शो हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हो सकता है हल्का सा टेल यानी कि बेयरिश मार्केट हमें देखने को मिले, या फिर देखिए पॉजिटिव तो है ही मार्केट आजकल, बुलिश ट्रेंड तो इसका चल ही रहा है। दो कंडीशंस मैंने आपको बता दिया, बाकी देखते हैं निफ्टी ओपन होने पे मॉर्निंग में ही पता चलता है। ज़्यादातर निफ्टी का 80% हम एक्यूरेट हो सकते हैं, 100% हम एक्यूरेट किसी भी चीज़ में नहीं हो सकते, खासकर शेयर मार्केट। तो दो मैंने इसमें ड्रॉ किए हैं, सबसे पहले हमारा बाई साइड का लेवल था 610 का, 610 पे बाय करना था, 640 का हमारा जो था लास्ट टारगेट प्राइस था वो अचीव नहीं हो पाया, बट 636 तक कहीं हद तक हमारे थर्ड टारगेट प्राइस तक ये पहुंच गया था। मिड कैप का स्टॉक है, 30 पॉइंट्स का हमने इसमें जो है रिस्क लिया था, बट ठीक है इसने आपको कम से कम 25 पॉइंट तो दे ही दिए थे। उसके बाद शॉर्ट सेलिंग के साइड हमारा एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे, उसके बाद दोबारा जब लेवल ब्रेकआउट हुआ तो इसने दो टारगेट प्राइस हमारे इजीली अचीव कर लिए थे, बट अगर आपने फॉलो किए होंगे हमारे रूल को। सो APL अपोलो में हमारे यानी कि APL अपोलो ट्यूब्स में हमारा बाई साइड का पहले एक टारगेट प्राइस अचीव हुआ। यहाँ पे आपको खाली एक वर्टिसेस दिख रही होगी, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें इस चार्ट को तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा टाइम मिल रहा था आपके जो बाइंग है उसको सूटेबल बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए आपका अच्छा खासा टाइम यहाँ पे मिल रहा था, हमें जो फर्स्ट टारगेट प्राइस था वो इजीली इसने अचीव कर लिया था। 1337 की हमारी बाइंग थी और 1343 का हमारा फर्स्ट टारगेट प्राइस था। एज यूजुअल मैंने रूल कहा है कि अपना शिफ्ट करना है ऐसे टाइम पे काम आता है जहाँ पे स्टॉक जो है रिवर्सल लेने वाला हो। यहाँ पे रिवर्सल लिया, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा लेवल, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टच करके वापस चले गया था, तो इसलिए लेवल ब्रेकआउट भी ज़रूरी है। फिर यहाँ पे 1319 पे आपने इसे शॉर्ट किया होगा, 1390 के बाद इसने अपना लो बनाया है, यहाँ पे इसे हटा दे तो 1300 समथिंग का, 1290 का हमारा आखिरी टारगेट प्राइस था, बट वो अचीव नहीं हो पाया, दो टारगेट प्राइस यहाँ पे अचीव हो गए। अगेन हमारी बाई साइड की कॉल यहाँ पे पिक हुई, जब यहाँ पे हमारी बाई साइड की कॉल पिक हुई तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। उससे पहले एक बार हमें स्टॉप लॉस का भी यहाँ पे सामना करना पड़ा। सारे स्टॉक पिक किए हैं जो जो अच्छा परफॉर्म करे हैं ओवरऑल, मैंने ये मिड कैप के स्टॉक्स प्रोवाइड किए थे, व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। सो भारत फोर्ग हमें शॉर्ट करके चलना था, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मैं अपने लेवल्स चेंज कर दूंगा जैसे ही हमारा स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होगा, तो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप पे लेवल चेंज करता हूं, उसके बाद मैं जो है टेलीग्राम चैनल पे, तो कुछ स्टॉक हो सकता है मिस हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि जब आपको लेवल चेंज करने होते हैं तो आपको ध्यान भी रखना होता है कि इसका जो एवरेज मूवमेंट है उसके बेसिस पर हमें टारगेट निकालने पड़ते हैं, तो वो जल्दबाजी में कुछ भी हम नहीं अपलोड कर सकते, हो सकता है एक दो स्टॉक छूट भी जाए, बट मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि सारे स्टॉक कवर हो जाए जो जो गैप ओपन में। तो भारत फोर्ग हमें शॉर्ट करके चलना था 784 पे और हमने इसका लो बनाया है 745 मान के चलिए, तो अच्छा खासा रिटर्न इसमें देखने को मिल गया, शॉर्ट हमें यहीं पे एग्जैक्ट करना था इसे।
सोनाटा सॉफ्ट की मैं बात करूँ, सोनाटा सॉफ्ट भी हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल गया। इसका हमारा आखिरी टारगेट प्राइस था 708 का, बट इसने अपना लो बनाया 695 का, इसने अपना लो बनाया। मैंने हमेशा कहा है फर्स्ट टारगेट प्राइस, सेकंड टारगेट प्राइस, थर्ड टारगेट प्राइस। अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करेंगे फर्स्ट टारगेट प्राइस पर, फिर सेकंड टारगेट प्राइस पर, फिर थर्ड टारगेट प्राइस पर, वो आपको यहाँ पे काम आया होगा। अपने न्यू व्यूअर्स को एक बार मैं बता दूँ, अगर आपका जो है फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हो जाता है, जैसे ही मेरी कॉल लगने के बाद फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हो जाता है, तो आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है सीधा फर्स्ट टारगेट प्राइस पर बिना कुछ सोचे समझे, उसके बाद सेकंड टारगेट प्राइस पर, उसके बाद थर्ड टारगेट प्राइस पर। अगर स्टॉक रिवर्सल ले रहा है तो आपको इसमें एडवांटेज होगा, आप जो है ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। अगर स्टॉक ऊपर बढ़ जाता है तो आपके और भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएं, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करना है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको ट्रेड लेनी पड़ती है। बाकी पोजिशनल ट्रेड के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। मैं स्विंग ट्रेड्स के भी कॉल देता हूँ, मैं स्मॉल कैप और मैं मिड कैप के स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ जिनमें आपको रिटर्न मिल जाए अच्छे से अच्छा। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि इतना रिटर्न मिले, बट अच्छे से अच्छा रिटर्न मैं आपको दिलाने की कोशिश करता हूँ। कजारिया सिरेमिक्स, आपको याद होगा कजारिया सिरेमिक्स हमने कहा था, लेकिन ये जो था स्टॉक गैप ओपन हो गया था, और इसकी जो है अगर आपने इसे बाय भी किया होगा तो भी आपका एक टारगेट प्राइस यहाँ पर अचीव हो गया होगा। शॉर्ट करने के लिए आपको टाइम नहीं मिला, फिर अगेन यहाँ पे बाइंग मिली होगी आपको। बाइंग करने के बाद ये 997 तक गया, तो एक ही टारगेट प्राइस आपको अचीव होकर मिल गया होगा अगर आप बाय कर पाए होंगे। पॉली मेडिक्योर का हमने हालांकि अपना जो था लेवल चेंज कर दिया था, तो ये जो है स्टॉक ने आज हमें बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिया, तो इसमें हम कुछ खास नहीं अर्न कर पाए। अगले स्टॉक था हमारा जसडाइल, तो अगला स्टॉक था हमारा जसडाइल। जसडाइल की हमारी बाइंग थी 976 पे, और इसने अपना हाई बनाया है 1010 का, तो लगा के चलिए 35 पॉइंट सीधे आपको देके चले गए। हमारा जो आखिरी टारगेट प्राइस था वो 1000 के करीब करीब था, तो अच्छा खासा इसमें बियरिश मूव था। बाकी मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूँ ट्रेंड क्या होगा। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में बट कैप के स्टॉक्स के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। प्लस स्विंग ट्रेड के लिए भी आप हमें जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा एज यूजुअल। और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में मैं स्टॉक्स के जो लेवल है वो वहीं पे अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज जो है कुछ चेंजेस हैं जो मैंने करे हैं, तो उसके हिसाब से अगर मॉर्निंग में स्टॉक जो है गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो उसके हिसाब से मैं चेंज करके एडजस्ट करके सारे लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।